भीमपुर नाम के गांव में लता नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। लता जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ मर गई थी, इसीलिए उसके पिता ने दूसरी शादी की थी और दूसरी पत्नी का नाम प्रिया है। प्रिया लता को काफी परेशान करती थी, हमेशा उससे बर्तन साफ करवाती थी, कपड़े साफ करवाती थी और घर के सारे काम उसी से करवाती थी। लता छोटी होने की वजह से कुछ काम ठीक से नहीं कर पाती थी, इसीलिए प्रिया उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पीटती रहती थी। ऐसे ही एक दिन बाजार से लौटते वक्त लता को एक छोटा सा गाय का बछड़ा नजर आता है। अरे वाह, ये गाय का बछड़ा कितना अच्छा है, इसे मैं अपने घर ले जाकर पाल लूंगी। ये कहते हुए उस बछड़े को अपने साथ लेकर जाती है लता। इतने में प्रिया, ची ची ची, इसे कहां से उठाकर ले आई हो, जहां से भी लेकर आई हो वहीं छोड़कर आओ उसे। ये बछड़ा बहुत अच्छा है माँ, ये मुझे बहुत पसंद भी है, मुझे इसे रखने दो ना। इस घर में तुम्हें रखना ही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से अब इस बछड़े को भी संभालना होगा क्या? तुम्हें ये इतना पसंद है तो तुम भी उसी के साथ चली जाओ, मेरा सर दर्द कम होगा। प्रिया की बातें सुनकर लता काफी दुखी होती है। उसके बाद वो उस बछड़े को लेकर घर से बाहर चली जाती है। इतने में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी लता और बछड़ा भीगने के बाद, लता, हम ऐसे ही बारिश के पानी में भीगते रहेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए तुम यहीं रुको, मैं जाकर अपने लिए एक छत ढूंढकर आती हूँ। ये कहते हुए उस बछड़े को एक कोने ठहरा कर लता जाकर एक बड़े से पेड़ को देखती है और पेड़ को चिपकाकर एक छोटा सा घर बनाने का सोचती है। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर बनाती है और साथ ही उस छोटे से बछड़े के लिए एक छोटा सा तबेला बनाती है। और लता वही पास वाले जंगल में से खुद के लिए और उस बछड़े के लिए खाने का सामान लेकर आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन एक बहुत ही दुखी बूढ़ा आदमी रोते हुए लता की झोपड़ी की ओर आता हुआ नजर आता है। उसे देखकर उसके पास भागती है लता। दादाजी, आप इस समय यहाँ पर वो भी अकेले क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो? मेरी एक बेटी थी बेटा, मैं अपने सब कुछ बेचकर धूमधाम से उसकी शादी की थी। अब मेरे पास ना रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए खाना है। मदद के लिए मेरी बेटी के पास गया तो उसने मुझे धक्का मारकर वहां से निकाल दिया। ऐसे काफी दुखी होकर लता से कहता है। तब लता, अयो दादाजी, मैं वहां पर उस घर में ही रहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप भी मेरे साथ रह सकते हो। ये क्या बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरी दूसरी माँ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। ये कहते हुए सारी बात दादाजी से कहती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही घर में रहूँगा। ये कहते हुए दोनों घर में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद लता उसके पास जो फल थे वो खाने के लिए दादा को देती है। वहाँ पर घर में लता ना होने की वजह से घर के सारे काम करने में प्रिया को दिक्कत हो रही थी। अरे, इस लड़की को बिना वजह ही जाने दिया था, अब घर के सारा काम मुझे ही करना पड़ रहे हैं। उस लड़की को घर लेकर आना ही सही होगा, वो बछड़ा किसी भी कोने में रह लेगा। ये सोचते हुए अगले दिन सुबह प्रिया लता को ढूंढते हुए निकलती है। लता और दादा सड़क पर चल रहे थे, उन्हें देखकर प्रिया उसके पास भागकर आकर, हाय मेरी प्यारी बेटी, मेरी लाडली बेटी, कहाँ चली गई थी इतने दिनों से?
तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान हो रही थी पता है? चलो घर चलते हैं। तब वो लता को देखने वाला बूढ़ा आदमी, प्रिया तुम लता को कैसे जानते हो? ये मेरी पति की पहली पत्नी की बेटी है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब देख रही लता को कुछ समझ में नहीं आता। दादाजी आप इन्हें कैसे जानते हो? हाँ बेटा, यही वो मेरी एकलौती बेटी है, मुझे टकराकर घर से बाहर निकलने वाली बेटी, तुम्हें मारकर सताने वाली माँ, यही है ना? हाँ दादाजी, यही वो माँ है। वो बात सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आता है। लता नहीं आएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी, उसकी माँ नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छा से उसे ख्याल रख सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद प्रिया को ये बात समझ जाती है कि अब लता नहीं आएगी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो बछड़ा बड़ा हो जाता है। लता और वो दादाजी मिलकर गाय के दूध से व्यापार करने लगते हैं। ऐसे लता, वो दादाजी और उनकी गाय खुशी से रहने लगते हैं।